हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सैमसंग का रिसेंटली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस स्मार्टफोन का प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में। इसका जो 6GB प्लस 120GB वेरियंट है, उसका प्राइस आया है 21,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, अगर इसका स्पेसिफिकेशन देखोगे तो इसका प्राइस होना चाहिए था 15,000 रुपीज़ से लेकर 16,000 रुपीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे इसका प्राइस है 21,000 रुपीज़। इसीलिए ये फ़ोन एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो इसका प्लास्टिक बैग, इसका प्राइस देखोगे तो 21,000 रुपीज़ के हिसाब से सैमसंग को ग्लास बैग देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस फोन में आपको प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाता है। थर्ड प्रॉब्लम, HD+ डिस्प्ले। दोस्तों, 21 प्राइस के हिसाब से कंपनी को फुल HD+ डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने 21,000 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से यहाँ पे HD+ का डिस्प्ले दिया है। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो इसका IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों, जनरली 21,000 रुपीज के बजट में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन यह फिर 21,000 रुपीज में आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करें तो इसका कैमरा। दोस्तों, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों सैमसंग को इस बजट में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देना चाहिए थे। सिक्स प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिल जाता है। अगर इस फोन का बजट की बात करें तो इस बजट में आपको सारी फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस फोन में आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिल जाता है। सेवन प्रॉब्लम की बात करें तो इसका प्रोसेसर। दोस्तों, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इस बजट में अदर ब्रांड मिनिमम स्नैपड्रैगन 750G और डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर देता है। अगर नंबर एट प्रॉब्लम की बात करें तो इसका स्टोरेज टाइप। दोस्तों, इस फोन में आपको EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं इसका प्राइस की तो इसका प्राइस है 21,000 रुपीज़, और 21,000 रुपीज़ में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप तो मिनिमम मिलना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M32 5G में आपको EMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। नाइन्थ प्रॉब्लम की बात करें तो इसका बैटरी, इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बजट का आधा सैमसंग फोन की तरफ देखोगे दोस्तों तो उस सैमसंग फोन में आपको 6000 mAh का बैटरी मिनिमम देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। नंबर 10 प्रॉब्लम की बात करें तो इसका चार्जर, इसमें आपको ओनली 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों सैमसंग को यहाँ पे मिनिमम 25W का चार्जर देना चाहिए थे। दोस्तों, यहाँ पे ये थे 10 ऐसे प्रॉब्लम जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस फोन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर मेरा ओपिनियन की बात करें तो मेरा ओपिनियन होगा डोंट बाय दिस फोन। दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या आप सैमसंग गैलेक्सी M32 5G इस स्मार्टफोन की तरफ देखना पसंद करोगे, या आप मुझे कॉमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो को आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेके आता हूँ।